हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल रजा स्टील फैब्रिकेशन में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने ये रेलिंग लगाई है, तीन पाइप नीचे लगाए हैं दोस्तों, और एक इसमें 2 इंची टॉप पाइप लगाया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लुकिंग आ रही है दोस्तों इसके अंदर। आप ये जोड़ देखें, आपको जोड़ ओड़ कहीं किसी तरीके से प्रकार का दिखेगा नहीं आपको दोस्तों। मांगे मैं पूरी करता हूँ, मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट, इस तरीके का सैल्यूट। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, जिन्होंने नहीं किया है कर दो आज। सो फाइनली दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी हमारा यहाँ तक का काम कंप्लीट हो चुका है। आपको दिखाते हैं जो ऊपर से वीडियो बना रहा हूँ, एक्चुअली कुछ देखने में नीचे से पूरी तरीके से प्रॉपर सही तरीके से रेलिंग जो है आ नहीं रही है। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं दो जीनों पर हमने दो जगह रेलिंग लगा रखी है, और ये इधर से दूसरी जगह आप देख सकते हैं ये लड़का ग्राइंडर मार रहा है। कितनी अच्छी लुकिंग आ रही है। आप कभी भी स्टील का काम कराना चाहते हैं तो एक बार हमसे संपर्क करें। हमारा चैनल रजा स्टील फैब्रिकेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें यार दोस्तों, यार ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। दोस्तों हमने जो इसमें रेलिंग लगाई है, इसमें हॉल करा है पहले, सही आप देख सकते हैं, ये देखिए हमने हॉल कर दिया है इसको, और यहाँ से वेंड करके लगा दिया है प्रॉपर। अगर हम इसको नीचे करके अगर लगा देते हैं डायरेक्ट तो फिर देखने में लुकिंग थोड़ी बेकार रहती है देखने में। आप देख सकते हैं ये यहाँ से ये लड़का जी हमारा थोड़ा पाइप को ठोक रहा है। आप देखिए यहाँ से इसको बढ़िया करके हम जाम कर देते हैं इस पाइप को, और फिर आगे का प्रोसीजर आपको बढ़िया करके दिखाते हैं। आपको दिखाता हूँ जीने की रेलिंग कैसे लगाते हैं। आप कभी भी स्टील का काम कराना चाहते हैं तो आप क्वालिटी वगैरह का जो थोड़ा ध्यान दें, क्वालिटी जो है आप बढ़िया क्वालिटी लगाएं। अगर आप अच्छी क्वालिटी का माल ले लगाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने पहाड़ पे काम कराया है, पहाड़ का व्यू देख सकते हैं कितना अच्छा आ रहा है देखने में आपको, कितना व्यू। एक्चुअली कुछ मौसम ऐसा है जो थोड़ा धुंधला टाइप का है तो पहाड़ आपको प्रॉपर सही तरीके से नहीं दिख रहा है। आपको अच्छी तरीके से दिखाते हैं कैसे पहाड़ दिखता है। हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं पहाड़ आपको दिखता होगा कितना अच्छा लुकिंग आ रहा है। एक्चुअली थोड़ी धुंध है, धुंध के मारे कहीं कहीं आपको पहाड़ दिख नहीं रहा है। आप देख सकते हैं हमने पहाड़ के नीचे प्रॉपर सही तरीके से काम कराया है, और आप पहाड़ का व्यू देख सकते हैं। आप कभी भी यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, आप कभी भी आएँ। हल्द्वानी के पास में ये पहाड़ रहता है और उत्तराखंड में पड़ता है नैनीताल में। दोस्तों कभी भी आप काम करने या घूमने आ सकते। हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमने पूरी बढ़िया करके रेलिंग लगा दी है। आप देखिए दोस्तों, ये हमारा पूरा काम हो चुका है। एक्चुअली हमें काम करते करते दोस्तों शाम हो चुकी थी, आपको मैं पूरी तरीके से वीडियो में बता नहीं पाया। असल में क्या था, हॉल उल कैसे करते हैं वो आपको अगली वीडियो में, नेक्स्ट टाइम आपको जो वीडियो बनाऊँगा उसमें आपको सही तरीके से दिखाऊँगा। दोस्तों हम इस पाइप को हमने यहाँ से वेंड करके दीवार में लगा दिया है बढ़िया करके। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लुकिंग आ रही है दोस्तों। जो हमने मटेरियल जो इसमें यूज़ किया है दोस्तों, 202 ग्रेड का लगवाया कस्टमर ने। आप 304 का चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, 304 का थोड़ा कॉस्टली रहता है, 202 का कम ग्रेड का माल रहता है एक्चुअली, तो सस्ता रहता है वो। ऐसा नहीं है, आप अगर 202 का ही माल लगाएंगे तो आप उसकी क्वालिटी वगैरह जो होती है जिंदल का प्रॉपर बढ़िया माल लगाएं आप। आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है दोस्तों इसमें। आप देखिए हमने यहाँ से इसको बैंड करके यहाँ पर मास्टर प्लर लगा दिए बढ़िया करके। आप दोस्तों कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप ऐसे ही कमेंट करो, आप पता चले मुझे आप मेरी वीडियो लोग कहाँ से देखते हैं, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देखते हैं, तो आपको थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा यार कि आप लोग इतनी इतनी दूर से आप मेरी वीडियो देखते हो। मुझे पता चलना चाहिए ना आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देखते हो। आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये हमने यहाँ से इसको वेंड करके लगा दिया है दोस्तों, और इसके अंदर जो हमने पाइप जो लगाए दोस्तों, 5 फीट का पाइप यूज़ किया है हमने, और 1.5 इंची वर्टिकल यूज़ किया है। ये 2 इंची का पाइप राउंड पाइप जो है दोस्तों वो यूज़ किया है इसके अंदर। ये 202 ग्रेड का पाइप है, 18 गेज की थिकनेस है दोस्तों इसकी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लुकिंग आ रही है इसमें, 18 गेज की थिकनेस है। इस दोनों जीनों पर हमने रेलिंग लगाई है, थोड़ा शाम हो चुकी थी असल में, वीडियो बनाने में थोड़ा धुंधला धुंधला आपको दिखता होगा इसमें, और वीडियो भी मैंने बहुत दिनों में आज डाल रहा हूँ दोस्तों आज, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा काम हुआ है, जो बढ़िया हुआ है स्टील का। कभी भी आप पहाड़ वगैरह पर अगर घूमने चाहते हैं तो नैनीताल आ सकते हैं। नैनीताल, काठगोदाम, हल्द्वानी जी हमारी साइड में पड़ता है दोस्तों, हम यहीं के रहने वाले हैं दोस्तों, यहीं काम करते हैं। आप जो सफाई कर रहा लड़का, आप पूरी फिनिशिंग हो गई है दोस्तों पूरी तरीके से, आपको बाहर से दिखाते हैं कैसे करके लगती है थोड़ी रेलिंग। दो सीढ़ियों पर लगा दी दोस्तों रेलिंग। असल में ये रेलिंग लगाने में आपको ज़्यादा खर्चा कॉस्ट नहीं पड़ता। इसके कॉस्ट की बात करें दोस्तों तो इसकी 35,000 रुपये में ये रेलिंग की पूरी कॉस्ट ही है। 202 ग्रेड में 450 रुपये रनिंग फुट के हिसाब से
हमने ये रेलिंग लगाई है और जो मास्टर आप देख सकते हैं जो दिख रहे हैं जिस पर बॉल लगी है इसको हम रनिंग फुट में नापते हैं, जिसमें 6 पिलर यूज़ किए करे हैं दोस्तों हमने इसमें। आप कभी भी किसी से भी रेलिंग लगवाएं तो जिंदल का माल लगाएं, जिंदल स्टेनलेस स्टील्स। हमने इसमें जो पाइप यूज़ किया है रामसन स्टील का पाइप यूज़ किया दोस्तों, आप 3 पाइप की रेलिंग बोलते हैं इसको, और ऊपर का जो टॉप है वो 2 इंची राउंड पाइप है। आप इधर को दिखाते हैं आपको, देखिए ये कोना बना दिया है इसका इधर से भी, और दोनों साइड से हमने कोना बना के वाइंड करके इसको जीने बढ़िया करके फिट कर दीजिए इसको। आप नीचे से दिखाता हूँ आपको, देखिए, और आपको ये बॉल दिखाता हूँ दोस्तों। देखियो ये बॉल जो रहती है इसके नीचे हम कटोरी लगा देते हैं, और ये बॉल जो होता है थोड़ा लंबा नट यूज़ करते हैं इसके अंदर। अगर आप छोटा नट यूज़ कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप वेल्डिंग दिखाते हैं आपको, दो कैसे हमने वेल्डिंग करी है इसके अंदर। आप देखिए आपको वेल्डिंग वगैरह कुछ भी किसी भी प्रकार की वेल्डिंग आपको दिखेगी नहीं इसके अंदर कि वेल्डिंग कैसे की जाती है इसके अंदर। क्या है क्या दिखा आपको दिखाते हैं दोस्तों। देखिए आप पूरा बढ़िया करके, लड़के जो हमारे थोड़ा ठोका पीटिया काम कर रहे हैं, ठोका पीटिया काम हो रहा है, आपको पूरा ऊपर से दिखाता हूँ कैसे करके हमने रेलिंग लगाई है। असल में वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है बनाने में, तो आप देख सकते हैं थोड़ा शाम का टाइम हो गया, वीडियो बनाना भी थोड़ी ज़रूरत थी। आप कभी भी 3 पाइप की रेलिंग लगाना चाहते हैं तो आप 202 का पाइप लगाएं या 304 का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 202 का थोड़ा कम कॉस्टली रहता है और 304 का थोड़ा कॉस्टली रहता है, उसमें करीब 650 रुपये रनिंग फुट के हिसाब से खर्चा आता है, और 202 में आपका 450 से 400 रुपये मार्केट में काम आपका हो जाएगा। आप कभी भी मार्केट में काम कराना चाहते हैं तो 202 का कराएं या 304 का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में।